सिक्स पार्ट पाँच ईमानदार शंकर। ईमानदार शंकर की स्टोरी बच्चों आपने पहले ही पढ़ ली है। इसको मैंने आपको बोला था कि इसकी आपने सार अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद सभी बच्चों ने ये पंजाबी से हिंदी लिखनी है अपनी नोटबुक पे। और अभी हम करेंगे प्रश्न उत्तर। एक वाक्य के प्रश्न उत्तर हैं ये। पहला प्रश्न है, कहानी में ईमानदार बालक का क्या नाम है? कहानी में ईमानदार बालक का नाम शंकर है। ठीक है, आपने उत्तर ऐसे लिखना है, कहानी में ईमानदार बालक का नाम शंकर है। इसके बाद, शंकर का स्वभाव कैसा था? शंकर का स्वभाव कड़ी मेहनत करना था। कड़ी मेहनत करना शंकर का स्वभाव था। तो आपने लिखना है, शंकर का स्वभाव कड़ी मेहनत करना था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धन कमाने के लिए शंकर कहाँ गया? धन कमाने के लिए शंकर गांव से नगर की तरफ गया। धन कमाने के लिए शंकर गांव से नगर की तरफ गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शंकर को दुकान के आगे से क्या मिला? शंकर को दुकान के आगे से 5 रुपए का नोट मिला। पांच रुपए का नोट मिला, सॉरी, 5 रुपए का एक नोट मिला। लास्ट प्रश्न, लेखक ने कहानी में सुक्की खान किसे कहा? ये रेड कलर में जो लिखा है, लेखक ने सुक्की खान ईमानदारी को कहा, या फिर लेखक ने ईमानदारी को सुख की खान कहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, शंकर ने हलवाई को 5 रुपए का नोट क्यों दे दिया? यहाँ पे है। शंकर जब शहर पहुंचा तो थक चुका था। जो जो मैं बोल रही हूँ वो उत्तर लिखना। जब शंकर शहर पहुंचा तो वह थका तो पहले ही था। उसने हलवाई की दुकान के आगे एक तख्ता देखा, लगा देखा, और तख्ते पर लेटते ही उसे नींद आ गई। जब वे सुबह उठा तो उसे एक 5 रुपए का नोट दिखा। वह 5 का नोट उसने हलवाई को दे दिया। क्यों दे दिया? ये लिखो कि हलवाई को दे दिया क्योंकि शंकर हमेशा सच बोलता था। नेक्स्ट प्रश्न लास्ट, हलवाई ने शंकर को नौकरी क्यों दे दी? अभी क्योंकि शंकर सच बोला था तो हलवाई को ऐसे ही बच्चे की जरूरत थी जो एक सच्चा हो, इंसान हो और मेहनती हो। तो यहाँ पर देखो, शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उसे एक मेहनती बालक लगा। ईमानदारी तो वह पहले ही सिद्ध कर चुका था, इसलिए दुकान पे उसे अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। ठीक है, ये सारा आपने लास्ट जो पैरा है उसमें ये दो तीन लाइनें हैं। ठीक है, शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ से लेके रख लिया, ये सारा उत्तर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे, रेखांकित शब्दों के वचन बदल कर वाक्य में लिखें। उसने सोचा रात पानी पीकर ही बता दूंगा। उसने को क्या करना है? उन्होंने, वचन बदलने हैं। उन्होंने सोचा रात पानी पीकर ही बिता देंगे, देंगे ऐसे लिखना है, बिंदी डालनी है यहाँ पे दे के साथ। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे उसने का उन्होंने बनाना है। नेक्स्ट, वह पैदल चलते चलते थक गया। वह की जगह पे आ जाएगा वे,
ये जो वह लिखते हैं ना, यहाँ पे आएगा वे, ये वाला ज़्यादा के लिए, वे पैदल चलते चलते थक गए। उसने अपनी दुकान खोली, उन्होंने अपनी दुकान ने खोली, क्या किया, उन्होंने अपनी दुकान ने खोली, ऐसे बनेगा। अब वह उस हलवाई की राह देख रहा था, देखने लगा। अब वह का क्या बनना है, वे, अभी मैंने आपको बताया था व को ए, ये वाला वह जो है ज़्यादा के लिए। अब वे उस उन हलवाइयों की राह देखने लगे, हलवाइयों, ये ई हट जाएगा, ओ बन जाएगा, हल वा ई ओ, बड़ी नहीं आएगी, छोटी आएंगी, हलवाइयों। अब वे उन हलवाइयों की राह देखने लगे। नेक्स्ट, वह थका हुआ भी था, वह, अब फिर यहाँ पे वह है तो वे आ जाएगा, यहाँ पर भी वे आएगा, ये वाला। वह थका हुआ भी था, वे थके हुए भी थे, वे, इसका आएगा वे, थके हुए एक ही आ जाएगी, भी थे। हलवाई की दुकान के आगे तख्ता लगा दिखाई दिया, हलवाइयों की दुकानों के आगे तख्ते लगे दिखाई दिए। ये सारे आपने वचन बदल कर लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट, जैसे ये शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं तो आपने ये अर्थ लिखने हैं सबने। मार्ग, राह, ईमानदार, सच्चा, मेहनत, श्रम, श्रम की स्पेलिंग बता देती हूँ, श्र ये वाला पड़ेगा, श्रम। नेक्स्ट, बेटा, सुत, पुत्र भी कह सकते हैं, आराम, वृक्ष, पेड़, आराम, विश्राम, विश्राम के लिए भी वो ये वाला श्रेय पड़ेगा, विश्राम, ओके, वृक्ष, पेड़, प्रसन्न, खुश, बालक का आएगा पर्यायवाची बेटा या सुत, स को छोटा हूँ तो बेटा भी लिख सकते हो और सुत भी लिख सकते हो, ठीक है, तो और यहाँ पे बहु कट पेट कटाएगा। इसके बाद नीचे आपको शब्द दिए हैं, मूल शब्द आपको जैसे दिया हुआ है, इसमें से आपने और शब्द बनाने हैं, जैसे कि दो दो अक्षरों को मिलाकर शब्द बनते हैं। कमाना दिया हुआ है, कम, कमा, माना, मान, कमान, ऐसे पांच बनाए हुए हैं, आपने यहाँ से फाइंड कर लेने। जैसे आराम दिया, आ, उसके बाद आ गया एक राम, फिर आरा, एक आर, ऐसे आपने ये शब्द बनाने हैं। इनमें से छिपे हुए शब्दों को ढूंढना है, ये आपने खुद करना है। मिलान, ये भी आप खुद करोगे, लेसन आपने पढ़ा हुआ है। शंकर, पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ, ये नहीं आएगा, शंकर की ईमानदारी पर ये आएगा, शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ, गांव वाले उसे बड़े प्यार करते थे, वह प्रसन्न दिख रहा था, शंकर भीख मांगना बुरा काम समझता था, ठीक है। आगे अब आपने नेक्स्ट देखो क्या करना है, पहले शब्द से आरंभ करते हुए प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से नई व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाएं। जैसे कि यहाँ पे शंकर है, शंकर आपने नाम लिखने हैं, यहाँ पे शंकर का शब्द यहाँ पे क्या है, यहाँ पर र, र से आपने लिखा रवि, अभी आपका यहाँ पे लास्ट क्या है, वी, वी से लिख सकते हो विकास, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप। स, स से यहाँ पे कुछ भी नाम आ सकता है, क्या लिखोगे, सजीव, संजीव, फिर मेरे पास व आ गया, ऐसे आपने व लिख के
नेक्स्ट बच्चे का नाम लिखना है, वीरकांत या वीर कुछ भी लिख सकते हो आप नाम। इसके बाद ये आपको बॉक्स दिया, यहाँ से चुनकर आपने यहाँ पर शब्द भरने हैं। कैसे शब्द भरने हैं? जो इनके विपरीत अर्थ बता रहे हैं। जैसे प्रवेश है नेक्स्ट आपका, फर्स्ट तो गुण का अवगुण दिया हुआ है, प्रवेश के लिए क्या है? प्रस्थान, ये वाला दूसरे का प्रस्थान आएगा। ऐसे आपने ये शब्द ढूंढने हैं। प्रसन्न का क्या आ जाएगा? दुख, पहले यहाँ पर आप बड़ा करके देख लो, पश्चात, ऐसे आपने ये बाकी के ढूंढ कर करने हैं। ठीक है, अभी आपने यहीं तक करना है, 10 क्वेश्चंस इसके अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेने हैं।